और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी के हाथरस से, जहां भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई है और 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। यह बड़ी खबर है। सिकंदरा मऊ में हुए हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। भगदड़ में मारे गए लोगों के शव एटा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, भगदड़ में मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। बहुत दुखद हादसा है और ये हाथरस के फुलरई गांव के पास हुआ, तो ये बड़ी जानकारी। हालांकि पहले जो आंकड़ा था वो 50 लोगों का आया था, लेकिन अब इसमें अपडेट ये है कि ये आंकड़ा बढ़ चुका है। ये बड़ी जानकारी है, 100 से अधिक लोगों की मौत, महिलाएं और बच्चे हैं इसमें शामिल। तो सिकंदरा मऊ में यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 100 से ज्यादा आंकड़ा इस वक्त जो आशंका जताई जा रही है, जिसमें महिलाएं ज्यादा शिकार हुई हैं, बच्चे ज्यादा शिकार हुए हैं। भगदड़ में मारे गए लोगों के शव एटा मेडिकल कॉलेज में रखवाए गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शिकार बताई जा रही है, बच्चे इसके चपेट में आ गए हैं। लेकिन ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये भगदड़ मची, उसके बाद का जो वहां पर मंजर था वो वाकई में हृदय विदारक था, रोंगटे खड़े करने वाला था। क्योंकि जिधर देखिए उधर डेड बॉडीज आपको दिखाई दे रही थी। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका अब तक जताई जा रही है। अस्पताल में इस वक्त भीड़ लगी है, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं पयोधी, और वहां की तस्वीरें वाकई में विचलित करती हैं अगर उन तस्वीरों को हम देखें जिस वक्त यह हादसा हुआ। और अभी शुरुआती जांच ही कहती है कि गर्मी और उमस की वजह से वहां पर पैनिक हुआ और उसके बाद देखते ही देखते इतनी भगदड़ मच गई। एक छोटा सा हॉल था, आप देखिए कि किसी भी आराध्य का अगर सत्संग होता है, भगवान शिव का हो या फिर कृष्ण का हो या फिर भागवत कथा हो, रामायण का पाठ हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है। इसके अपने कुछ मानक होते हैं, लेकिन फिलहाल ये बात की बात है। अभी वहाँ पर जो रेस्क्यू हो रहा है उसमें जो जानकारी मिली है, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुरुष भक्त जो हैं वो भी पहुँचे थे इस सत्संग का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन यहाँ भगदड़ मचती है और 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो न्यूज नेशन के ये सवाल हैं, सत्संग के दौरान आखिर इस तरीके की स्थिति क्यों पैदा हुई, और एक एक करके वो सवाल हम आपके सामने रखते जा रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात में जिम्मेदार किसको माना जाए। तो क्या प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ को आने की अनुमति दे दी थी, क्या सत्संग के आयोजकों से व्यवस्था में चूक हुई, ये बड़ा सवाल है। तो ये 5 सवाल इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो बड़े सवाल है जो न्यूज नेशन की तरफ से पूछे जा रहे हैं। एक गाँव में एक बड़ा हादसा हो गया है, आपको बता दें भोले बाबा का सत्संग चल रहा था जिसमें हजारों की बताया जा रहा है 50,000 से ज्यादा की भीड़ बताई जा रही है। भाई बता दें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार ऐसे सत्संग भोले बाबा के होते रहे जिसमें पहले भी कई लोगों की मौतें हुई है। एक बड़ा हादसा हुआ है, एक बार आप देख सकते हो, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तो बताया किस तरीके से चौक चंदन चल रहा है। यहाँ पर लोग व्यथित है, दुखी है, धार्मिक जो कार्यक्रम है, जो इस तरीके के सत्संग है वो उसको बढ़ावा देते हैं, जिसका सीधा आप उदाहरण देता हूँ, मैं देख सकते हैं लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मौत की लगभग बता रहे हैं कि हो चुकी है। वही यदि ग्रामीणों की माने तो 50,000 लोग मर चुके हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू श्रीवास्तव। मोनू, ये क्या चल रहा था सत्संग? सत्संग हो रहा था, हम तो साकारेश्वरी बोले बाबा। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? कोई कहा भी नहीं जा सकता, 50 से ऊपर लोगों की मौत हुई है। 50 से? कहाँ पर चल रहा था ये? मुगलगढ़ी। ये क्या नाम? मुगलगढ़ी। हाँ मुगलगढ़ी। देखिए लोगों का मानना है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो एक बड़ा हादसा हुआ है जिसको लेकर के एटा जिला प्रशासन मुस्तैदी से लग गया है और स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल में पूरे तरीके से आ चुके हैं। सभी लोग जो डॉक्टर सारे ड्यूटी पर हैं और देख सकते हैं सब जा रहा है। देखिए किस तरीके से एक एक करके इस तरीके से इस कमरे में मैं देखना दिखाना चाहूंगा, पोस्टमार्टम का एक कमरा है जहां पर भारी मात्रा में सब इकट्ठे किए गए हैं। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेकर के लोगों ने वहां इस बात का कैसे कि ऐसे जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें आखिरकार ऐसी मौत क्यों होती है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही है, और ये बड़ा हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है।